एक बार फिर कुछ स्कूलों ने बच्चों को कोरोना के खतरे में धकेल दिया है। ऑनलाइन स्टडीज हो या एग्जाम्स, बच्चों पर इसका प्रेशर बरकरार बना हुआ है। जहां हम एग्जाम्स की बात करें तो हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और टीचर्स बच्चों को इंसिस्ट कर रहे हैं 2G पर अगर आपके एग्जाम्स नहीं, आपकी फाइल्स लोड हो रही, तो अपने पेरेंट्स को कहें या तो वो आपको साइबर कैफे लेकर जाएं या घर पे ब्रॉडबैंड या फाइबर लगवा के दें। क्या इस पैंडेमिक टाइम में साइबर कैफे जाना बच्चों के लिए सेफ है? इसी के चलते हमने कुछ पेरेंट्स से बात की, उनका ये मानना था। देखिए, स्कूल के आगे इंटरनेट के कारण स्कूल के होमवर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहे, कुछ हो नहीं पा रहा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए हैं, तो स्कूल वाले मेंशन करते हैं कि आप साइबर कैफ़े जाएं या नेट से या घर में आप 4G लगवाएं, जियो फाइबर वगैरह लगवाएं ताकि आप पेपर दे सकें। आप एग्ज़ाम का वो बोल रहे हैं साइबर कैफ़े जाओ, साइबर कैफ़े में पता नहीं उन्होंने सैनिटाइज़ किया, की बोर्ड वगैरह सब अपना किया कि नहीं किया है, उसके कारण कहीं बच्चे को कुछ हो जाए, कुछ उसका कौन जिम्मेवार है इसमें? हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा फाइबर घर पे, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर्स और हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सारा ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें ताकि उनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल सके। मेरी सिस्टर स्कूल में है एंड शी इज़ इन स्टैंडर्ड 10th। द स्कूल, मतलब स्कूल एक तरफ बच्चों के लिए अच्छा ही कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं इवन इन दिस पैंडमिक टाइम, लेकिन दे आर डिमांडिंग कि एग्ज़ाम हों। एग्ज़ाम भी कैसे हों कि जिनके घर नेट नहीं है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या फिर उनका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दे आर डिमांडिंग कि वो साइबर कैफेज़ बैठ के या फिर किसी भी हाउ अरेंज करके इंटरनेट एग्ज़ाम दें, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। हर किसी के पास एक तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन है भी तो हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर पूरा हमें 2G ही अवेलेबल है। 2G पे कोई गूगल फोरम्स या फिर प्ले स्टोर्स या कुछ भी नहीं चलने वाला, तो रेस्ट अपार्ट जस्ट आप एग्ज़ाम्स कैसे हैंडल करवाएंगे। एंड अगर बच्चे साइबर कैफ़े उठ के जाएँ भी, तो साइबर कैफ़े में बैठना, वहाँ पे उनको पूरा टाइम देना और कोविड में उनको वहाँ लेके जाना, वो भी छोटे छोटे बच्चों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स, कोई सेंस नहीं बनती। द स्कूल शुड कम अप विद द सोल्यूशन, बच्चों के लिए उनको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, बिकॉज दे प्रायर वही बोलते थे कि फ़ोन छोड़ो, अब कह रहे हैं कि फ़ोन पकड़ो, तो बच्चों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ में पेरेंट्स को भी बहुत इनकन्वीनियंस हो रही है, बिकॉज पैंडेमिक में एक तो ऑलरेडी बजट्स आर गोइंग हेयर एंड देयर, एंड देन यू वांट कि मतलब हम वाईफाईज लगवाएं, 5G लगवाएं, जिनकी इंस्टॉलमेंट्स भी मतलब विद टाइम लगती हैं, टेक्स्ट 2 to 3 months, तो 2 to 3 months बच्चा बाकी क्लास से पीछे नहीं हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनती इस चीज़ की। एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जिसकी सोल्यूशन आनी चाहिए, या तो हो हमें डेली इंटरनेट मिल रहा हो, या तो हमें कंप्लीट असेसिबिलिटी हो। कुछ जगहों पे जहाँ पे फाइबर अवेलेबल ही नहीं है या कनेक्शंस अवेलेबल ही नहीं है, जो लोग गांव में रहते हैं वो कैसे इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे? नहीं, अभी मैम कोई नहीं आ रहे क्योंकि ये COVID-19 के चलते इस टाइम बच्चे पेरेंट्स भी नहीं उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ, और वैसे भी वो नहीं आ रहे, नहीं तो पहले बच्चे हमारे पास बहुत आते थे ऑनलाइन पेपर देने के लिए, क्लासेस लगाने के लिए बहुत आते थे, अभी इस टाइम पर नहीं आ रहे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ इंटरनेट की 2G स्पीड, बच्चे पढ़ाई करें तो कैसे करें? क्या एग्ज़ाम्स के लिए बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डालना ठीक रहेगा? मैं नीतू सिंह, JK News Today, जम्मू।